किचन में आपका स्वागत है। अब करेले की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जिसे खाने के बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, हमारे स्किन में ग्लो लाता है, हमारा वेट लॉस करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। इसमें विटामिन ए एंड सी भरपूर मात्रा में है, पर मैं जानती हूँ इसे खाना कोई नहीं चाहता। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे सब करेला खाना शुरू कर दे? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सबको बहुत पसंद आएगी, चाहे उन्हें करेला पसंद हो या ना हो। और हाँ, इसमें मैंने एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला है जिसे खाने के बाद बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत दिल से चाट चाट कर खाएंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी अचारी करेले की सब्जी। सबसे पहले 250 ग्राम करेला ले ले और उसे अच्छे से वॉश कर ले। फिर उसे एक चॉपिंग बोर्ड पर रखकर उसके दोनों तरफ किनारे काट दे। उसे छीलने की जरूरत नहीं है और उसके पतले पतले स्लाइसेस कर ले। ये हमने सभी करेलों को बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच नमक डालकर 3-4 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे इसका सारा कड़वा पानी निकल जाए। हमारे 3-4 घंटे हो चुके हैं, आप देखेंगे कि करेले का पानी निकल चुका है। अब हम इन करेलों को अच्छे से निचोड़ेंगे। हमने सारे करेलों के कड़वे पानी को निचोड़ दिया है और एक अलग ट्रे में रख लिया है। इन करेलों को एयर फ्रायर में डालने से पहले हम अपने एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लेते हैं। हम 5 मिनट के लिए अपना एयर फ्रायर प्रीहीट करने रख देते हैं। जब तक हमारा एयर फ्रायर गर्म होता है, हम एक बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे और अपने करेलों पे लगा देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा एयर फ्रायर गर्म हो चुका है, अब हम इन करेलों को इसकी बास्केट में डाल देंगे। और अपने एयर फ्रायर को 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर होने के लिए रखते हैं। तब हमारे करेले रेडी होते हैं, हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें 5 फोरन डालेंगे। 5 फोरन में हमने आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड और आधा चम्मच ही जीरा डाला है। इन सब के भून जाने पर हमने 2 बड़े प्याज जिनको स्लाइस कर लिया है डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। हमारे प्याज के ट्रांसपेरेंट होने पर हम इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का लंबा काट के डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें एक टमाटर की प्योरी डालेंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल दें। नमक हमने करेलों में डाला हुआ था, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डलेगा। इसमें खट्टापन डालने के लिए आप अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको अचारी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा अचार का मसाला पीस कर डाल रही हूँ, जिससे खट्टापन भी आ जाएगा और अचारी फ्लेवर भी आ जाएगा। हमारे सारे करेले फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इन्हें अपने पैन में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंत में इसमें आधा कप पानी डाल दें और इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट पकने दें। हमारे करेले बनके तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से अचारी करेला बनाएंगे तो आई एम श्योर आप इसे बार बार खाना और बनाना पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया
तो लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।